इश्क तमाशा तमाशा इश्क तमाशा तो दोस्ती कर लें। मैंने आपसे जो वादा किया था पूरा कर दिया। अरे बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हो गया? हम सबको खुश तो हो लेने दे, इतने दिनों के बाद मेरा आई है वापस। हाँ, महारानी साहिबा कोई नेक नामी के झंडे नहीं गाड़ कर आ रही, जो आप लोग इतने खुश हो गए। बंद करें ये सब, पूरे का पूरा खानदान ही पागल हो गया। अम्मी प्लीज कुछ तो ख्याल करें, ऐसी बातें ना करें। तुम सारी जिम्मेदारी ना मुझ कमजोर के कंधों में मत डालो, थोड़ा सा खुद अपनी भी अकल से काम ले लो। जिसके कदमों में पीछे चले जा रहे हो ना, वो किसी गैर के घर, अजनबी के घर कितने दिन गुजार कर आई है बगैर किसी रिश्ते के। बच्चियों मेरा को अपने कमरे में ले चलो, उसवा बैग पकड़, उठा। बात सुनो पर बच्चा, इधर आओ, उठाओ ये सारी पत्तियां, उठाओ। अम्मी मेरा भी अच्छी भली पत्तियों को नापाक करके रखती है। उठा ये सब और झाड़ू से ना उठाना, जैसे हाथों से फेंके है ना वैसे हाथों से चुनो। अकेला खुद तो कभी खुश नहीं होती, चुप कर दे। औरों की भी खुशी नहीं देख सकती, कभी खुश होने नहीं देगा तू किसी को। आज मैं इतना जबरदस्त तैयार होंगी, फिर देखती हूँ कैसे नजरअंदाज करते हैं। पलवशा नो, चीटिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं नहीं, अगर चीटिंग करनी है तो गेम मत खेलो प्लीज ना। अच्छा चीटर, आप ही मैंने आपको कितना मिस किया मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। मिर्हापी आपके जाने के बाद मुझे किसी ने स्टोरी नहीं सुनाई थी। ओ झूठी, जो मैंने तुम्हें दर्जनों बुक्स लाके दी वो स्टोरी बुक सुनने में जो मजा है ना वो पढ़ने में नहीं है। ठीक है अब मैं आ गई हूँ ना, स्टोरी बुक्स में आपको खुद सुनाऊंगी। मैं तो पॉपकॉर्न खाते हुए स्टोरी सुनूंगी। घर में 100 काम पड़े और तुम लोग यहाँ बैठी ठट्ठे मार रही हो, हद होती है बेशर्मी और ढिठाई की।
अम्मी अभी तो आकर बैठे, थोड़ी देर खेलने दे हमें। ज्यादा टर टर करने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, बहाज की नौकरी नहीं है अब, अपना बोझ खुद उठाओ तो बेहतर होगा। अच्छा ना, जा रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठी भी बड़ों के बीच, कभी किताब खोल कर देखी अपनी? अम्मी सुनने सब आता है मुझे, सब आता है मुझे, उठो। अरे अकीला, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात खाला अम्मा? वो वहाज के नाम का ना एक लेटर आया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ भैया, आप भी भूल जाते। और तुम बंद करो ये नहुसत वाली गेम, भूलने की आदत आपकी अब पुरानी होती जा रही है। क्या चल रहा है? सर ये अकाउंट्स वगैरह मैंने देखे, मेंटेन कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह एक आज पूरे हो जाएंगे कंप्लीट सर। और सर आपकी मीटिंग भी है, एक पता है आपको सर? एक्सक्यूज मी सर, वो आपकी शराजी इंडस्ट्री की सीईओ से मीटिंग है आज। कैंसिल करता हूँ। नहीं सर, कैंसिल कर दो, मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है। ओके सर। मुश्ताक साहब, मैं ज़रा देर तक यहाँ रुकूँगा दफ्तर में, आपको या ऑफिस वालों को घर जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं, प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करें। अरे उस्वा पलवशा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, भाई बाहर गर्मी में खड़ा है। खाला, तुम क्या लेने आए हो यहाँ? खाला मुझे आपसे बात करनी है कुछ। तुम्हारी माँ ने कोई कसर छोड़ी थी जो अब तुम बात करने आ गए? खाला मैं अम्मी की तरफ से माजरत मांगने आई। अरे भाई माफ करो, मैं बाज आई तुम लोगों की माफियों से। जाओ जाकर अपना काम करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। खाला प्लीज ऐसे तो मत कहें, अम्मी ने जो भी कुछ कहा वो उसने तो जो कहना था सो कह दिया, अब जो मैं करूँगी ना पूरा खानदान देखेगा। मैं समझा नहीं खाला। कुलसुम को बड़ा नाज है ना तुम पर, मेरी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रुशना से ऊंचे खानदान में करूंगी अपनी पलवशा की शादी। खाला प्लीज ऐसे तो मत कहें, अम्मा की सजा मुझे तो नहीं। बेटे तो उसी के हो ना, मेरी बेटी के ख्वाब देखना छोड़ दो। खाला प्लीज आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, एक महीने के अंदर अंदर अगर मैंने अपनी पलवशा की शादी किसी ऊंचे खानदान में ना की तो मेरा नाम भी अकीला। सुना तुमने? खाला, जाओ भाई जाओ। खाला, खाला। आ जाते हैं कहां से उठकर, माँ बेइज्जती करके चली जाए। माँ कम बातें सुना कर गई है, जब मैं इसकी सुनने के लिए खड़ी हो जाऊं दुनिया की नजरों में तो दीद लिहाज खत्म ही हो गया। पलवशा, गरम मसाला पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मुझे बता दोगे? यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा आप देख लें। अच्छा सुनो, मैंने ना पुलाव बनाया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसके साथ चटनी बनाऊं या रायता, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप अम्मी से पूछ लें, उनका बस चले तो हमें सांसें भी नहीं लेने दें। और वैसे भी आज से पहले इस घर में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ है जो आप मेरा ख्याल पूछ रही हैं? पलवशा पता नहीं क्या हो गया सर, अभी तो ठीक थी। कुलसुम को बड़ा नाज है ना तुम पर, मेरी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रुशना से ऊंचे खानदान में करूंगी अपनी पलवशा की शादी।
किस हैसियत से फोन कर रहे हो इसे और क्या कहोगे उसे? अपनी जिंदगी जीने दो, वो आज के साथ वहां खुश होगी। चाची जान, कहाँ थी तुम? किचन में। कब से घुसी हो तुम किचन में? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। खाना तैयार है और इतनी देर नहीं हुई अभी। अरे वाह, चंद दिन तुम बाहर क्या रही, तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए। कैसे पटर पटर जवाब देने लगी हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाची जान। अभी कुछ करना बाकी है क्या? और बीबी, अगर कुछ करने का इरादा भी है ना तो हमें बख्श दो, क्योंकि तुम्हारी मली कालक आज तक नहीं उतरी। चलो जाओ, जाकर खाना बनाओ, जरा सी देर हो जाए तो बीपी लो हो जाता, बोला नहीं जाता मुझसे। खाना लेकर जी। क्या काम करना होगा, दिमाग खराब कर देती है लड़की। जी बीबी जी। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे साहब क्या रोजाना लेट आते हैं? जी कभी कभार लेट भी हो जाते हैं जी। अच्छा, मुझे उनके आने जाने की टाइमिंग, उनकी पसंद, उनकी नापसंद सब कुछ बताओ। जी Enjoy rupees 500 off on your first order from Hum Mart app. Download the app and order now. Hum Mart, kare life aasan. Kal basha hi lo. Salon garam hai dekh ke. Girana mat. Ja. Uswa. Ye plates rakho wahan par. ये लो, रोटी। मेधा बेटा जा, वहाज को भी बुला ला खाने के लिए। जी अभी बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं ज्यादा फुर्ती दिखाने की, चलो जाओ तुम, आ जाएगा वो खुद ही। मुझे तो खाला मैंने कहा था जान। कहाँ से होकर आ रही हो तुम, जो इतना पटर पटर बोलना आ गया तुम्हें? जब से आई हो जिंदगी अजाब बनाकर रखती है हमारी। हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो। अरे उसे मैंने कहा था वहाज को बुलाने के लिए। अरे बस कर दे खाला माँ, पता नहीं कहाँ इतने दिन गुजार कर आई, मुझे तो घिन आती है इस लड़की। बस बहुत बोल लिया तूने, अब चलो खाने के लिए। पानी रखा है या नहीं? लाई। जल्दी लेकर आओ। अरे ध्यान कहाँ रहता है इसका। वहाज आ जाओ भाई, खाना रख दिया, आ जाओ, आ जाओ खाला अम्मा। हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। आ,
रुको साबरा, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी खाने पर, आज आप। मेहराब, मेहराब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गुफरान, 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 क्या हुआ तुम्हें? खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं अम्मी। ये अचानक भूख और प्यास क्यों उड़ गई तुम्हारी? ये सवाल आप खुद से पूछो तो ज्यादा बेहतर अम्मी। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? आपने मुझे मजबूर कर दिया सब कुछ कहने के लिए। हो, समझ गई तुम किसकी जबान बोल रहे हो। अकेला बेगम सारी जिंदगी मेरे हाथ के पीछे पड़ी रही और अपनी बेटियों की तरबियत तो जैसे भूल ही गई। अम्मी खुदा के लिए बस करे। तुम बस करो, बहन है मेरी, तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसको। जब देखो खाले की बात करता है। बहाश ने चचे जान को खामोश नहीं करवाया, हालांकि वो सब सुन रहे थे। शायद इन्हें भी यही लगता है कि मेरा क्यों आए आप यहां पर? मुझे तुमसे बात करनी है। कौन सी बात? I'm sorry. मम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यही बात आप अपनी मम्मी के सामने कह देते तो आज मैं क्या करूं आपकी इस शर्मिंदगी का? ये शर्मिंदगी मुझे कभी इस घर में जगह नहीं दिलवा सकती। मेरा आपसे तुम जो कहोगी वही होगा। प्लीज महाराज, मुझ पर एहसान करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। साबरा जी, बीबी जी, ये कॉफी किसके लिए ले जा रही हो? साहब के लिए। बात सुनो मेरी, लाओ दो मुझे, दो मैं लेके जाती हूँ। जी लाओ दो, साहब ने मना किया है। चुप करो, जानती नहीं हूँ बीवी उनकी? पर बीबी जी, जाओ जाकर अपना काम करो। अलवशा मेरा बच्चा, क्या बात है बेटा, शाम से ही तुम मुझे परेशान नजर आ रही हो। कुछ नहीं खाला अम्मा, बस क्यों ही? कुछ नहीं, चेहरे से ही सारी परेशानी नजर आ रही है। और वो अकेला शाम को तुम्हें डांट रही थी ना। आपने कभी उन्हें अच्छे मूड में देखा? उसका बस चले ना, हम सबको घर से बाहर निकाले, अकेली बैठी राज करे। ऐसी बात नहीं है खाला माँ,
वो मेरी वजह से परेशान है। उसे तो कोई भी सही नहीं नजर आता अपने सिवा। वो खुद बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। अल्लाह ही अकेला को अकल दे। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। क्यों? मैं आपकी बीवी हूं, आपके सारे काम करना मेरा फर्ज है। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ उसे वापस। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। मेरा को तो कभी मना नहीं किया, वो भी यही सब करती थी। मेरा का नाम कहां से आ गया बीच में? क्यों ना लूं मेरा का नाम? हाँ, जब वो ये सब कुछ करती थी तब तो आपको कभी बुरा नहीं लगा? आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं था उससे। क्वास बंद करो अपनी, चल जाओ यहाँ से। सब जानती हूँ, वो जाते जाते भी मेरे खिलाफ आपको भड़का के गई। अरे उसकी तो आदत है यूं मर्दों को अपनी तरफ रुझाने की। बस, आज की बात तुम्हारे मुंह से मेरा के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनो मैं। अगेन आउट। भाई की शर्ट में स्कूल से लेट हो रही हूँ। थोड़ा सबर कर लो उस्वा, एक तो इस घर में ना सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। शर्ट प्रेस करने में तो बहुत वक्त लगेगा, मेरी स्कूल बहन भी आने वाली है। अच्छा जाओ, मेरा पर्स लेकर आओ। अम्मी अब शर्ट दे भी दे, लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ ला रही हूँ, बस हो गई है। अम्मी मुझे आपकी रखी हुई चीजें कभी नहीं मिलती, खुद ही ढूंढ लेना। अच्छा फिर थोड़ा सबर करो, वहाज को देर हो रही है। वहाज भाई की शर्ट तो मेहा भी प्रेस कर सकती हैं। वहाज सिर्फ मेरी स्त्री की भी शर्ट पसंद करता है बस। चाची जान मुझे आपसे एक बात करनी है। तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? वो मेरी दोस्त है ना, एक जॉब बताई है स्कूल में, बस वहीं पे इंटरव्यू है, उसी का पूछना आई थी। मैं जाऊँ? अम्मी आज की तारीख में शर्ट मिल जाएगी। हाँ बस हो गई है। तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होके? तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो जहां भी जा रही है। और अब तुम्हें देर नहीं हो रही, पकड़ो ये शर्ट और जाओ। जा रहा हूं। अम्मी मेरा तो काम करें। अच्छा भाई देती हूँ पैसे, चली जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। गुड मॉर्निंग। आपने मेरे बगैर ही नाश्ता शुरू कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो करते जाएं। साहब हमेशा अकेले ही नाश्ता करते हैं? नहीं बीबी जी, जब तक बेगम साहिबा थी तो सब साथ ही नाश्ता करते थे। और फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा बीबी ख्याल रखती थी। यही तो चलाकी थी उसकी, अपनी खिदमतों से जगह बनाए रखी। लेकिन अब मेहराब की जिंदगी से मैं उसका हर नक्श मिटा दूंगी। कुछ चाहिए आपको लियाम? मुझे कुछ चाहिए होगा खुद जाके ले लूंगी, ये मेरा घर है समझी तुम।
with the biggest stars of Pakistan. Kubra Khan, Nikal Zulfikar, Harim Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी वालेकुम अस्सलाम अब क्या है भाई हुस्मा हरानी को यहाँ भेज कर इतने बड़े घर में तो राज कर रही होगी अम्मी आप ठीक कह रही थी मेरा हाथ जितने दिन इस घर में रही है इस घर की एक एक जगह पर अपना नक्श छोड़ गई जिसकी वजह से इस घर में मेरी आपकी रुशना की कोई जगह नहीं है ये क्या कह रही है रुशना मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आपको पता है मेहराब ने अभी तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की है एक बात सुन रुशना इस लड़की से हार मानने की जरूरत नहीं है वो शौहर है तुम्हारा और शौहर के सामने बीवी की कोई नाक नहीं होती समझी नहीं मुझे नहीं जाना बेकार की बातें नहीं करो बैठो जो कह रहा हूँ वो करो राज मुझे मजबूर मत करें आप मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना क्यों मेरा तुम पे हक नहीं है क्या ये बात करने से पहले आपने चाची जान से इजाजत ली मुझे देर हो रही है मुझे जाना मेरा मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम मेरी जिम्मेदारी हो पहले मैं भी यही समझती थी बाज लेकिन अब मैं जानती हूँ मुझ जैसे यतीम और बेसहारा लड़की को अपना बोझ खुद ही उठाना है मेरा मेरा बेकार की बात नहीं करो मेरी बात सुनो मेरा बस तुम अपना घर देखो मेरे सर पर अभी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां खुदा हाफिज अरे अकेला अरे क्या हो गया है तुझे इतनी जल्दी किस बात की है हैं? वो बच्ची बेचारी रो रो कर पागल हुई जा रही है खाला माँ अब सारी जिंदगी मैं इन्हें घर बिठा कर नहीं रख सकती मुझे अभी अपने बेटे का भी सोचना है भाई अरे लेकिन मेरी बच्ची पलवशा की तो अभी तालीम भी पूरी नहीं हुई है कोई जरूरत भी नहीं है लड़के वालों को अगर पलवशा पसंद आ गई ना तो उनके पास इतना है कि सारी जिंदगी बिठा कर खिला सकते हैं उसे लेकिन अकेला पलवशा का ख्वाब है कि उसे डिग्री मिल जाए अब सारे ख्वाब अगले घर जाकर पूरे करती फिरे मुझे अपना फर्ज पूरा करने दे माँ तो कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और दूसरों से उम्मीद लगा रही है अरे खाला माँ मैं अब से ज्यादा बहस नहीं करती वो लोग आते ही होंगे मुझे तैयारी भी करनी है अभी क्या करूं कैसे समझाऊं अकेला को अरे क्यों कर रही है तू इतनी जल्दी एक बात सुन रुशना इस लड़की से हार मानने की जरूरत नहीं है वो शौहर है तुम्हारा और शौहर के सामने बीवी की कोई नाक नहीं होती समझी क्या बना रही हो साबरा लौकी गोश्त बना रही हूँ लौकी गोश्त अच्छा तुम छोड़ो लंच आज मैं बनाऊंगी तुम ऐसा करो एक पेन और पेपर लेकर आओ कहाँ जा रही हो ये रख दो अच्छा क्या बनाऊंगी मीठे में तो बनाऊंगी मैं खीर क्योंकि खीर मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ
और प्रियानी, नहीं 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 प्रियानी नहीं, इतने बड़े घर में रह के प्रियानी कहाँ खाता होगा, कुछ इंग्लिश बनाना चाहिए। इंग्लिश, चाइनीज, पास्ता, पास्ता बनाओ। ड्राइवर से कॉल लेकर इंटरव्यू आप यहाँ? हाँ, जब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्यों? मेरा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारा मुंतजर रहा हूँ कि मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकता। मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे जो भी नाइंसाफी हुई उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चले यहाँ से, लोग देख रहे हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सवाल नहीं किया मुझसे, आपने सिर्फ अपनी वजाहत पेश की, जिस पे यकीन करना या ना करना ये मेरी मर्जी है। चले, मेरा एक ही बेटा है, दुबई में होता है, वहाँ मुलाजमत करता है, आजकल आया हुआ छुट्टी पर, और मेरा दामाद मेहराब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। अल्लाह पे भरोसा रखें बहन, हमारे साथ रिश्तेदारी करके आपको मायूसी नहीं होगी। बस देखें जी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर। जी जरूर। उस वक्त जाओ, पल वशा को बुला कर लाओ। अरे आप कुछ ले ना, आप भी लीजिए। खाला अम्मा जी, अम्मी आज इधर बैठो बेटा। ये मेरी बेटी है जी, पलवशा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी तो, हीरा छुपा के रखा हुआ था आपने। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। तमाशा, इश्क तमाशा।